भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और शीश नाग जरूर आते हैं और शेष नाग भी आते हैं। तो देख सकते हैं भोलेनाथ के यहाँ पे मंदिर में शेष नाग भी आते हैं। देखिए प्रवेश द्वार इस तरह का है यहाँ पे मंदिर वाला प्रवेश द्वार। देखिए अब आगे को बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह है भोले बाबा हमारे भोलेनाथ खखरा बाबा धाम। यहाँ पे मंदिर के बगल में देखिए अभी एक नया मंदिर बन चुका है, ये माँ भवानी का मंदिर है और माता रानी यहाँ पे विराजमान है। देखिए माँ दुर्गे तो यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ मैं अंदर का। और यहाँ देखिए एक बल्ब लगा हुआ है जो इस तरह से झिलमिला रहा है। और यहाँ का देखिए काफ़ी अच्छा लुक है, बहुत बढ़िया मंदिर बन चुका है बगल में भोलेनाथ के। गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ का मंदिर बगहा का भोलेनाथ का खखरा बाबा मंदिर, बहुत ही प्राचीन बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही मान्यतापूर्ण मंदिर है ये से। और उन्होंने बताया कि उनकी जितनी भी मनोकामना थी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी हैं, बहुत ही अपने लाइफ से खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उनकी भी लाइफ सुखमय बन जाती है। अंकल जी आप नाम बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा तो राम कुमार नाम है। राम कुमार कहाँ रहते हैं? यहाँ ठाकुर के खेत में रहते हैं बोर में, फिर मंदिर की साफ सफाई करते हैं वही जी। तो ये अंकल जी रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान यही रखते हैं जी, लेकिन रात को नहीं रुक पाते यहाँ पे। नहीं क्यों? कहते हैं कोई दूसरी शक्ति है जो यहाँ पे रहती है रात को। जी रहती नहीं है मतलब पूजा करके वो भी चली जाती है। अच्छा कोई शक्ति है जो पूजा करती है भोलेनाथ के चली जाती है। जी 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 भंडारा कथा कोई किया कचरा कर दिया तो उसकी साफ सफाई आपकी जिम्मे रहती है जी, आप जिम्मा संभालते हैं इसका। हाँ इसका माने पूरा वो इसकी चाबी और ताला सब मेरे पास है, आप कुछ भी करिएगा तो माने चाबी ताला देने हम आएंगे। जी जी आप बुला लेते हैं भोलेनाथ ना, हमको क्या पहचान आप करोगे कि ये तो खेत का है। जी 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 पर आप जब ये कार्यक्रम करोगे तो मतलब भोलेनाथ बुला लेते हैं कि आ जाओ। जी 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 रहूँगा यहाँ करीब 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक रहेंगे जी, इसके बाद ना रहेंगे। हाँ कहते हैं इसके बाद कोई शक्ति यहाँ पे है, है। आते जो हैं ना दंत्र आते हैं पूजा करने और दंत्र कहते हैं कि आते हैं, दंत मतलब समझते हैं कि इंसान नहीं कोई अलग ही शक्ति है कोई अलग देवता आते हैं। और तालाब वाले पीछे तालाब के पीछे से और दूर से नज़ारा दिखाता हूँ भोलेनाथ का, पूरे प्रांगण का देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है, बहुत ही मनमोहक जगह है। यहाँ आप लोग आएंगे तो बहुत शांति फील करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ भी एक ऐसे गेट बना हुआ है जिससे लोग पैदल आ जा सकें, गाड़ी वाहन तो नहीं आएंगी पैदल आ जा सकें। ऐसा इसलिए बनाया गया है जिससे मवेशी इसके अंदर एंट्री ना कर सकें और कोई इंसान आसानी से आ जा सके। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, पूरे प्रांगण का दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। ये मैं एकदम कॉर्नर में खड़ा हूँ, बहुत अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से पूरे प्रांगण का, मंदिर प्रांगण का बहुत शानदार लुक है यहाँ से। देखिए सूर्य भगवान भी अब छिप चुके हैं पीछे बेल के पेड़ों के पीछे। और यहाँ चारों तरफ जो भी पेड़ दिख रहे हैं गाइस आप लोगों को वो तो सभी के सभी पेड़ बेल के हैं। ये देखिए बेल का पेड़ और ये पीछे वाला पार्ट है मंदिर का, और पीछे वाले पार्ट की ही ओर बगहा है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं पूरा मैदान पड़ा हुआ है, पूरा हरा भरा, चारों तरफ खेत लगे हुए हैं। मंदिर प्रांगण के चारों तरफ पूरी हरियाली खेत है, यहाँ पे पूरा शांति फील करेंगे आप लोग। यहाँ शहरीकरण न के बराबर है, पीछे प्लाटिंग होना चालू हो गई है, आने वाले वक्त में शहरीकरण हो जाएगा लेकिन प्रेजेंट में ये पूरा एरिया बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही मनमोहक है। भाई देखिए यहाँ कितना अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, ये बैठने की जगह है देखिए, यहाँ पे कोई अगर दर्शनार्थी आते हैं तो यहाँ बैठ के आनंद ले सकते हैं। और मेरे सामने एक बेल का पेड़ है, देखिए एक बेल पक के गिरा भी है और इसी इसमें बैठने के स्थान में गिरा पड़ा था, ये मुझे मिला है और मैं इसे पाकर बहुत ही हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ। देखिए गाइस बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो पका बेल मुझे इस सीज़न में मिल गया है।
अब समझ सकते हैं कि किस तरह का मंदिर है, कितनी शक्ति है मंदिर में। हाँ, ये तो हम लोग जानते नहीं कि ये कब का मंदिर है, क्या है, कैसे है, लेकिन जब से आप जन्म हुआ होगा तो फिर देखे। हाँ, जब से जन्म हुआ तो मैंने मंदिर ऐसे देखा, मंदिर ऐसे देखा जी। और मैं भी गाइस बहुत दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले तो मान लीजिए इतनी साफ सफाई पुताई नहीं हुई थी, खंडहर जैसा था, काफी जर्जर हो चुका था, लेकिन भोलेनाथ में की चमक में कोई चमक कमी नहीं थी और बहुत बेहतरीन लगते थे पहले से। लेकिन प्रांगण जो था चारों तरफ थोड़ा सा वैसे था, खंडहर टाइप का था, लेकिन अब यहाँ पे भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण हुई है, तो माने तो भक्तगणों ने खुश होकर के पूरे प्रांगण को बढ़िया एक नंबर का सजा दिया है। अब बहुत ही लुक, अब अच्छा चारों तरफ का लुक आ गया है यहाँ मंदिर के। तो अंकल बता रहे हैं कि ये बेल आप खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन भर लोग इन बेल को बिन बिन कर खाते हैं, खूब सारे ढेरों बेल ले जाते हैं, तो मैं भी इसका टेस्ट चखूँगा और बहुत ही इंजॉय करूँगा। तो अंकल देखिए अब लगे हुए हैं साफ सफाई में, तो अब मैं भी गाइस घर की ओर निकलता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब गेट पास देखिए आ गया हूँ, बाहर आ जाता हूँ, जाकर देखिए चारों तरफ का व्यू पूरा पीसफुल है, कहीं पे कोई सिटीकरण कोई शहरीकरण नहीं है। आगे ज़रूर देखिए वो घर दिख रहा है, वहाँ से सिटीकरण शहरीकरण जो है चालू हो रहा है, वहाँ पे प्लाटिंग चालू हो चुकी। दिखाऊँगा वहाँ का व्यू, चल के दिखाता हूँ आपको। गाइस देख सकते हैं खखरा बाबा धाम से ये करीब 200 मीटर की डिस्टेंस पे, ये देखिए लिखा हुआ केबी नगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे केबी नगर ये बन चुका है, यहाँ साइड में छोटा छोटा देखिए लिखा खखरा बाबा। क्या नाम तुम्हारा? कान्हा। कान्हा नाम है, पूरा नाम बताओ ना। शिवम कान्हा सिंह नाम है कि शिव, क्या नाम? कान्हा सिंह। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये कॉलोनी देखिए बस रही है, धीरे धीरे प्लाटिंग चालू है।